हे गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल टीएम एग्जाम में। जैसे कि आपको पता है जेएससी की जीएनएम नर्स और पैरामेडिकल का जो वैकेंसी निकला था है ना कुछ दिन पहले, इसका पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसे भर सकता है ना, इसका सिलेबस पैटर्न क्या है क्या नहीं, हम बताए थे। यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि बाहर के लोग भर सकते हैं कि नहीं, बिहार के लोग, अदर स्टेट के लोग। अरे भाई भर सकते हैं भाई, कौन बोला कि नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं आप लोग, मना थोड़ी किए हैं, लेकिन आप लोग जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत हो रही है, किसी का नंबर नहीं ले रहा है, जिसका 6-2 से नंबर है उसका लेवे नहीं कर रहा है, बोला दिस नंबर इज़ नॉट वैलिड। तो अभी जो फॉर्म जो भी भर रहे हैं थोड़ा समस्या आ रही है। अभी देखिए, एक दो दिन वेट कीजिए, आपका ये जो प्रॉब्लम समाधान होगा। हम भी लगातार उन बोर्ड को, जेएससी बोर्ड को कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जेएससी बोर्ड को, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्टैक्ट होने दीजिए, बात होने दीजिए, तब हम बोलेंगे कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा सर, 6-2 वाले नंबर डाल रहे हैं तो बोला कि दिस नंबर इज़ नॉट वैलिड, ये कैसा पॉसिबल है ना। और BSNL वाला नंबर डालें 999 करके तो वो सब ले रहा है, 89 ऐसा या 99 डाल रहे हैं तो वो ले रहा है, लेकिन 6-2 वाला नहीं ले रहा, जियो का जिसका नंबर है वो नहीं ले रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब वो सब देख रहे हैं समाधान, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्या अप्लाई का प्रोसीड्यूर है ना। तो आप गूगल पे, आप हमारे वेबसाइट टीएम एग्जाम में आपको जाने बोले थे, वहाँ पे जाना है, ये वीडियो में हम बताए थे, और जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है ना वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। ठीक है, ये टीएम एग्जाम आ गए, अब इसमें क्लिक करना है। अब जो है नीचे चलते हैं, कुछ खोलने दो थोड़ा सा, ये खुल गया, आप नीचे आएंगे, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना, देखिए अप्लाई नाउ का यहाँ बटन है, और यहाँ पे जेएससी फॉर्म वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब 2024 है ना, क्लिक करना है तो ये जो है पोस्ट आपका ओपन हो जाएगा। अब नीचे देखिए ये पोस्ट आपका दिख रहा है, यहाँ पे पूरा डिटेल आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। देखो आप अप्लाई कब से, 23 से कर सकते थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम चल रहा है फॉर्म भरने में, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं आपको। और लास्ट डेट क्या है जी, 22 यानी फरवरी तक अभी लास्ट डेट, अभी आप 2-4 दिन बाद ही अप्लाई कीजिएगा, हड़बड़ा के अभी तुरंत मत मार दो, ठीक है ना। अब शायद थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है, तो ये देखो एज लिमिट वगैरह ये सब कुछ क्या है ना, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए। ये पोस्ट का डिटेल पूरा था, ये जो भी था एक्सरे वैक्सरे का जो भी था, ये पूरा पेमेंट मेट्रिक, ये पूरा डिटेल था। हम बोले थे आपको अप्लाई में जब आएंगे तो अप्लाई नाउ का, देखिए अभी लिंक खुल गया, आप कर सकते हैं क्लिक। अब करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली वेबसाइट का बोर्ड खुलेगा, ये देखिए खुल रहा है। अब नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं नीचे में क्या दिख रहा है ना, ये देखिए एक नीचे में क्या है, एक देखिए रजिस्ट्रेशन का टैब है और एक जो है लॉगिन का टैब है। लॉगिन अभी नहीं कर सकते, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा लॉगिन करके, फिर पेमेंट करना पड़ेगा, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप होता है। अब आइए थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, बोला कि आर यू सिटीजन ऑफ, हाँ तो सिटीजन है इंडिया पे हम हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए समस्या है, मान लीजिए ये वाला समस्या देखिए, आर यू लोकल रेजिडेंट, ये तो हो गया, अच्छा आर यू लोकल रेजिडेंट, यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे दो चीज़ है, अगर यस करोगे तो आप अगर झारखंड से हो तो झारखंड का यहाँ पे यस हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नो करोगे तो यहाँ पे देखो आप जनरल में काउंट हो जाओगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बोल देगा, देखो यू आर एलिजिबल फॉर यू आर कैटेगरी है ना, तो आप यू आर कैटेगरी माने जाओगे। मतलब अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आप जो है देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म तो भर लोगे, लेकिन यू आर कैटेगरी। अब आप बाहर से, बिहार से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, अप्लाई करो ना भाई, कौन मना कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट में कि सर बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये तो कर सकता है, यहाँ पे नाम डालो करो, है ना, जो भी है, ऐसा तो नोटिस में भी बोला नहीं गया। तो फिलहाल मैं झारखंड का हूँ तो मैं डालता हूँ, है ना, यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ, नाम डाल देता हूँ, जो भी नाम है यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ से इस सब डिटेल में डाल देता हूँ फटाफट से। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल डाल लिया हमने यहाँ पे डाल लिया, यू आर झारखंड, या शंभू कुमार धीबर नाम है, डेट ऑफ बर्थ डाल लिया अपने, है ना, इसे हाइड कर देता हूँ मैं। ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे अपना देखिए नंबर डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया। अब सबमिट में क्लिक करेंगे, कैप्चा इनवैलिड बता रहा, कैप्चा में क्या गलत डाल दिया रे भाई, अब कैप्चा डाल दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब कैप्चा डाल दिया है। अब SCQK है ना, देखो हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन, ये देखो मेरा रजिस्ट्रेशन, मुझे पासवर्ड मिल गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पासवर्ड है, लॉगिन आईडी है। अब इसको मैं फ़ोटो खींच कर रख लेता हूँ, है ना, आप भी फ़ोटो खींच लीजिएगा, तो खींच लिया मैंने, रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12/9/1996, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब क्लिक करते हैं लॉगिन पे, देखिए अब फॉर्म आपका खुल गया, अब पूरा फॉर्म खुल गया आपका, ठीक है ना, ये पूरा फॉर्म खुल गया आपका, देखिए जो जो है ये पर्सनल डिटेल है, अब आपको भरना है, पूरा डिटेल भर गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट रोसर रेसिडेंट, तो धनबाद से करता हूँ मैं, धनबाद से है, सिलेक्ट पोर्शन, यहाँ पे आपको किस लिए आपको करना है, देखिए पोस्ट देखिए कितना है,
फार्मासिस्ट का पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे है और ग्रेड ए नर्स। तो जीएनएम के लिए ग्रेड ए नर्स डालना है और देख लीजिएगा जो जो किए हैं अपना फार्मासिस्ट कोई है तो इसमें क्लिक करेगा। जिससे फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो, लैब टेक्नीशियन हो तो इससे करना, एक्सरे टेक्नीशियन हो तो इससे करना, ग्रेड ए नर्स हो, क्योंकि ये चार प्रकार का पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये सब पैरामेडिकल का है। तो मैं ग्रेड ए नर्स का डालता हूँ जीएनएम वाला। और यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा डालता हूँ, तो रिजर्वेशन में मैं क्या डाल दूँ, मैं आपको डाल देता हूँ ईबीसी वन हूँ मैं, तो यहाँ पे ईबीसी वन कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्म में, यहाँ पे पर्सनल डिजिबिलिटी यहाँ पे नो करता हूँ, कोई मेरा डिजिबिलिटी नहीं है, प्रॉपर से मैं भर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सारी डिटेल हमने डाल लिया है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का भरम है, लड़की भर सकता है कि लड़का भर सकता है, बहुत सवाल आप लोगों का जी, है ना। यहाँ पे देखिए स्लिप पोस्ट कर लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना रिजर्वेशन कोटा डाल दिए हैं, आज जिसका रिजर्वेशन है वो तो जनरल काउंट होंगे। और यहाँ पे देखिए एक्स सर्विस में डाल दिए, एलिजिबल कैंडिडेट डाल दिए हैं, जेंडर डाल दिए हैं, नाम तो अपना ऑटोमेटिक लिया हुआ, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल और नंबर ये सब तो ऑटोमेटिक है। अब सेव और नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म मेरा भर गया पूरा, आप देख सकते हैं एक बार पूरा आपको दिखाएगा, है ना। ये देखिए और कुछ बेसिक डिटेल है ये भी डाल लेते हैं। देखिए मदर फादर का नाम डालना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस से डालना पड़ेगा, शादी वगैरह, आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, आइडेंटिटी मार्क्स डालना पड़ेगा, है ना, 1-2 करके ये सब कुछ डालना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लिया, यहाँ पे फादर का नाम आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको जो है यहाँ पे देखिए मदर्स का नाम डालना पड़ेगा, ये देखिए मदर्स का नाम डालना पड़ेगा, है ना। इसे मैं ब्लर कर देता हूँ क्योंकि पर्सनल डिटेल नहीं दिखा सकता ना, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आधार नंबर भी मैं ढक देता हूँ, ये आधार नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कटिंग मार्क का देना है, जैसे मेरा आँख के बायां आँख कटा हुआ है तो यहाँ पे एक कट मार्क ऑन लेफ्ट आई है ना, ए मॉल ऑन राइट थार, दो आपको जो है आपके शरीर के चिन्ह देना है, मतलब कोई भी जो चिन्ह है आपके शरीर में बॉडी मार्क है वो देना है। और सेव और नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब कुछ नहीं, आपका यहाँ तक चल ही रहा अभी फॉर्म भरना, है ना। अब यहाँ पे आपको एड्रेस का डिटेल भरना है, तो फटाफट से एड्रेस का डिटेल भर देते हैं, है ना। ये एड्रेस वाला तो सभी भर लेंगे, ये वाला तो बहुत आसान वाला चीज़ है। देखिए यहाँ पे बेसिक जो एड्रेस डिटेल था, अब जो है यहाँ पे पार्ट थ्री में एड्रेस डिटेल पूरा भर लिए हैं। अब पूरा एड्रेस डिटेल भरा गया है मेरा पूरा, आप भी देख लीजिएगा, परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भर पाएंगे तो साइबर केस चल जाएंगे, आपको दिखा दे रहे क्या क्या लग रहा है। अब ये भी हो गया। अब आपको यहाँ पर डिटेल आपको मांग रहा है, यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आपको मांग रहा है, यहाँ पर डिटेल मांग रहा है, यहाँ पर क्या मांग रहा है डिटेल, देखिए यहाँ पर डिटेल मांग रहा है कि टेंथ का दीजिए, ट्वेल्थ का दीजिए, और जो टेक्निकल आपका क्वालिफिकेशन है वो दीजिए, और रजिस्टर्ड फ्रॉम झारखंड स्टेट ऑफ नर्सिंग और नॉट, ये आपको देना है, यस या नो करना है यहाँ पे, है ना, कि आप जहाँ से किए हो वो आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस से भी आपको यहाँ पे ध्यान से भरिएगा, गलती की कोई गुंजाइश इस जगह पर नहीं, क्योंकि यही आपका रिजल्ट कराएगा यहाँ पर, बिल्कुल नो गलती। इस जगह अगर गलती कर दी है तो बहुत जोर झटका लगने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि जैसा कि सिलेबस बताया गया है 10 से 20 नंबर, 10 के मार्कशीट से अगर जिसका 60% से अबव है वहाँ पे आपको नंबर देता है, ठीक है ना। और आप 12th के अगर 60% से अबव हो तो भी आपको 20 नंबर मिलेंगे, और टेक्निकल से भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो है इंपॉर्टेंट है, और वर्क एक्सपीरियंस से प्रत्येक साल के लिए अगर एक साल काम किए हुए हो तो आपको 5 नंबर ऐसे मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। और बाकी 50 नंबर का तो एग्ज़ाम है, और बाकी तो आपको 10, 12 और टेक्निकल मार और एक्सपीरियंस से ही आपको मिल जा रहा है नंबर। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है VVI सेक्शन है, VVI, ठीक है, VVII। तो कृपया करके ध्यान करके ये सेक्शन भरिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अपना देख लीजिए सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के अनुसार आप भर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं जीएनएम, देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना देख देते हैं क्या आपके स्टेट रजिस्टर से क्लिक है, हाँ है। और यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैं नहीं डाल रहा हूँ, है ही नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस, तो क्या डालूँगा। और सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का यहाँ डिटेल डालना है, देखिए जो भी है, ऐसे नहीं आपको नंबर मिल जाएगा। मेरे पास नहीं है तो क्या करूँगा, मुझे कुछ भी यहाँ से नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। अब देखिए पूरा डिटेल आपको, पूरा यह फॉर्म आपको दिखेगा, है ना, ये पूरा फॉर्म आपको दिखेगा, ये पूरा जो फॉर्म है आपको दिखेगा, है ना, या पूरा फॉर्म जो है देख लेंगे इस प्रकार, जो पूरा फॉर्म आपको दिखेगा, देखिए ये पूरा डिटेल आपको दिखेगा, क्या भरे क्या नहीं, फी अमाउंट 100 रुपया, है ना, ये लंद फंद, ये पूरा आपको दिखेगा, है ना। और यहाँ से आपको बस कुछ नहीं करना है, सेव नेक्स्ट करना है, आई मॉडिफाई तो नहीं करना है, बस इतना कुछ करना है, इतना कुछ पूरा डिटेल आपको दिख रहा है, जो भी आपको भरेंगे सारा चीज़ आपको दिखेगा। और देखने के बाद आप क्या करेंगे, मॉडिफाई में क्लिक तो नहीं करना है,
कुछ मॉडिफाई नहीं करना है ना, सेव करेंगे, अब देख लेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लोचा है ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या लोचा है देखिए ज़रा, यहाँ पे लोचा क्या है, यहाँ पे एक चीज़ लोचा ये है, सबमिट क्यों नहीं ले रहा देखिए। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सबमिट क्यों नहीं ले रहा, भाई देखो सबमिट काहे नहीं ले रहा, ये देखो क्या है, पेमेंट विल बी डन वन डे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। मतलब आज आपने रजिस्ट्रेशन करा, अब जो है फॉर्म भी भर दिया, अब ये है एक दिन बाद यानी कि 24 आवर्स बाद। मतलब आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो 24 घंटा बोला तो हम लोग 48 घंटा मान के चलते हैं, यानी 2 दिन बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद आप पेमेंट कर सकते, एक दिन बाद बोला है जो एक दिन के लेटर आफ्टर वन डे, प्लीज़ लॉग इन आफ्टर वन डे फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अब यहाँ पे पेमेंट का टैब इसीलिए नहीं खोलना है क्योंकि यहाँ पे 100 रुपया कटेगा ना भाई, 100 रुपया तो फी अमाउंट कटेगा, और यहाँ पे खाली अभी तक आपको यहीं तक दिखाएगा, ये आपका भरा हुआ है, आप भरा रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। जब आप लॉगिन करोगे ना तो यहीं तक आपका खुल जाएगा। यहाँ पे मॉडिफाई का, अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन खुल जाएगा। अभी क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि साफ साफ यहाँ ऊपर में लिख के बोल दिया है कि पेमेंट आज हमने रजिस्ट्रेशन करा तो कल हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी का थोड़ा सा लेट हो जाए, किसी का जल्दी हो जाए, किसी का और थोड़ा लेट हो जाए, तो 48 घंटे तक वेट करना और पेमेंट कर देना और फोटो और सिग्नेचर डाल देना, आपका फॉर्म भरा हो गया। मैंने पूरा फॉर्म का प्रक्रिया आज ही क्लियर हो गया, बस पेमेंट एक दिन लगेगा। पेमेंट कौन नहीं करने जाता भाई, आज के डेट में कोई पेमेंट नहीं करने जानता, कोई भी पेमेंट कर लेगा। आप घर से मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ध्यान से परसेंटेज वगैरह डाटा आपको सही से भरना, अगर एक थोड़ा भी डाटा इधर उधर भरें तो गड़बड़ा गया आपका फॉर्म, ठीक है ना। साइबर कैफे चले जाओ, या फिर अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में हमें करें, हम आपका फॉर्म घर बैठे भर देंगे, आप सारा डिटेल हमको बताएंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। बस आपको एज ए 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा, है ना, वो अपना साइबर कैफे, अपना साइबर कैफे खुद का है, आपको चार्ज लगेगा। आपको व्हाट्सअप करना है 8580393030 और 36, इसमें करना है, आपको 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा, आपको वो चार्ज पे करना है, हम आपका फॉर्म पूरी तरह से भर देंगे। ओके, आपको फोटो सिग्नेचर करवाना है, आपको घर से वहाँ से पेमेंट करवाने बोलेंगे, आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था प्रोसीड्यूर आज का डेट, अब पेमेंट का दिन हम लोग पेमेंट का वीडियो बना देंगे और आगे का दिखा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।